Today I'm gonna date my best friend for 24 hours. Would you like to be my girlfriend for 24 hours? मुझे नहीं पसंद ऐसे बॉयफ्रेंड. Hi guys, good morning and welcome back to the channel. और आज हम कुछ अलग करने वाले हैं. So today I'm gonna date my best friend for 24 hours. तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, आई थिंक आई शुड आस्क हर आउट. वैसे तो उसे पता है, मैंने रात को पूछा था, लेकिन ऑफिशियली आई थिंक आई शुड आस्क हर आउट. तो लेट्स कॉल हर. हेलो हेलो. सो आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग चंदू. ओके. Would you like to be my girlfriend for 24 hours? Yeah. तुम्हें फॉर्मेलिटी लग रही है ये बात पे हार लिए. यार तू मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी? नहीं. सच बता. 24 hours के लिए? एक दिन में नहीं झेल सकती मेरे को? नहीं नहीं झेल सकती, बहुत स्टुपिड है भाई तू. तेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. ठीक है, 24 hours के लिए मैं गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी. शर्म तो नहीं आ रही? नहीं, सोच रही तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देना. बना रहा, शादी नहीं कर रहा तो भी. चलो ठीक है मैम, मिलते हैं आपसे. ओके बाय. आई होप आज के दिन अच्छा जाए आपका. या तुम्हारे साथ ना. हाँ जी. ओके बाय. ओके. सो गर्लफ्रेंड को तो पूछ लिया, लेकिन आज का दिन मैंने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया है, तो ये सारे अनप्लान होने वाला है. तो आई थिंक सबसे पहले तो मुझे रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है. रेडी होने में तो मुझे 2 सेकंड लगते हैं, देखने कैसे. सो आई एम रेडी फॉर माई डेट. और अब मैं खाली हाथ तो जा नहीं सकता, तो अब मैं कुछ खरीदूंगा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए. कितना अजीब लग रहा है बोलने में, लेकिन हाँ मैं स्टोर जाऊँगा, कुछ खरीदूँगा. तो लेट्स गो. और जिस बात का मुझे डर था वही हुआ. मेरी जो गर्लफ्रेंड है आज के दिन के लिए, उसको ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, और आज संडे है, और सारे स्टोर जितने भी लाइन में हैं सब के सब बंद पड़े हैं. और अब पता नहीं मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, कुछ तो लेने जाना पड़ेगा. फाइनली एक दुकान मिली है, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ मिलता है या नहीं. तो सिर्फ बड़ी मुश्किल से एक दुकान मिली थी, और वहाँ पे ज़्यादा कुछ तो था नहीं, पर मुझे चॉकलेट मिल गई. तो अब चलते हैं, वरना मैं अपनी पहली डेट पे लेट नहीं होना चाहता. सो ये कोट मैं देना चाहूँगा, डोंट बी लेट ऑन डेट. रुक जाओ सारे. कैसे हो मैम? बढ़िया, तू बता. नहीं एक बात बताओ मुझे, सिर्फ एक दिन के लिए गर्लफ्रेंड बनना था, सिर्फ एक दिन के लिए गर्लफ्रेंड बनना था, एक दिन के लिए. आज भी काटना जरूरी था? नखरे उठाने पड़ते हैं बंदी के. आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ. गर्लफ्रेंड के नखरे नहीं उठाएगा तो फिर क्या लौंडा है ये भी. भाई मैं इतनी देर से बैठा हूँ, बोर हो रहा था. फिर मुझे मेरी फोटो देख लेता, मैं इतनी सुंदर सुंदर आ रही हूँ वीडियो में. थैंक यू. मुझे नाम तो बताना भूल ही गया. So she's Chandra Thakur, my girlfriend. Thakur नहीं, पटियाल हूँ मैं. मैं Thakur हूँ ना? हाँ ये Thakur है. She's Chandan Patyal, but Thakur for a day. She's my girlfriend for one day. एक दिन. और मुझे एक बात सच बता, जब तू रेडी हो रही थी, तेरे दिमाग में वो गाना चल रहा था ना, सजना है मुझे. मैंने ना इतना ज़्यादा प्लान किया था, लेकिन बेस्ट फ्रेंड को डेट करने का एक नुकसान मैं पहले बता देता हूँ. आपकी चलती नहीं है बिल्कुल भी. मैंने इसको बोला चंडीगढ़ चलते हैं, चंडीगढ़ में घूमेंगे, लेकिन नहीं मैम को तो बहुत दूर है चंडीगढ़, जीरकपुर जीरकपुर घूमना है. बेटा फिर से बोलो. नहीं ले रहा, आपकी जोड़ी बनी रहे. आपकी जोड़ी बनी रहे. चंदू तू मना कर रही है तो साथ क्यों आई? ये लो मिस गर्लफ्रेंड. ये सारा आज मैंने एक दिन के लिए सारा बुक कर लिया है. क्यों चंदन दिख रहा है तुमको यहाँ पे हमारे अलावा? नहीं ये साइड होना थोड़ा.
उठ, पहले उठ, अब बैठ। लाए हो भाई कुछ? निकल गया। वैसे पर नहीं, एक बस ऐसा होता आज तक मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। आपको पता है मेरा बर्थडे था यार प्लस टू के बाद जो मेरा बर्थडे था, इन्होंने मुझे 1 रुपए के नोट दिए, एक एक रुपए के 5 नोट पूरे। हाँ अभी तक मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मैं हमेशा से अच्छे गिफ्ट देता हूँ। क्या वो देखो हमसे पहले चले गए। चलो यार मुन्ना, ट्रैम्पोलिन पार्क वी हैव टू गो। गाइस हम आ गए स्काई जंपर ट्रैम्पोलिन पार्क। मैं जो गाने लगाए हुए हैं ना, मेरे को कॉपीराइट बजाना। कपल पास मैं सच। और हाँ मैं 21 का 250 लिया। ट्रैम्पोलिन पार्क जीरकपुर में है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप यहाँ पे आ सकते हैं। मैम आपके साथ तो हर बिताया पल अच्छा ही रहता है। अच्छे नहीं लग रहे हैं साथ? अच्छा लग रहा है। चंदन एक बस से एक दिन के लिए सही, एक दिन के लिए सही। तेरे को मतलब तेरी औकात से बाहर का लड़का मिल रहा है तो कैसा लग रहा है? ज्यादा हो रहा है, ठीक है। मैं बहुत अच्छा डिजर्व करती हूँ। चंदू yes. एक बात सच सच बता। सच नहीं करना, ठीक है? अब देख आज हम तो एक ही दिन के लिए डेट करें, ठीक है? हाँ. तो फ्यूचर में हाँ. जो लड़कियां हैं और उनको एक बार रिव्यू दे दे कि कैसा रहेगा मेरे साथ रहना। ये है, बहुत फन लविंग है, पूरा तुम हो ही नहीं सकते इसके। बकचोदी पूरा है। हाँ वैसे तारीफ के लिए शब्द नहीं है, तारीफ के नो वर्ड्स, तारीफ के लिए शब्द नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये निकला सच। अब एक बात मैं सच सच बोलना चाहूँ, वैसे तो ये चलो ऐसी है, नहीं अच्छी है, पर यहाँ पे कुछ ज्यादा सुंदर आ रही है यार। ये मजाक से हटके फेमस कर दो भाई, तो मतलब रात रात ही डिस्प्ले में काश बारी रही थी ना। एक आंख मार। अच्छी नहीं यार। मैम कैसे लग रहे हैं आपकी जगह? बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। ये सारा मेरा प्लान था ना। हाँ, प्लान। हम एकदम अनप्लान चल रहे हैं। हाँ, जितना अनप्लान ट्रिप बेस्ट होते हैं वैसे। हाँ, एंड विद द बेस्ट पर्सन विद बेस्ट काश होता। ओह माय गॉड। सो गाइज मैंने जब प्लान किया था कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी चंदन पटियाल जी को डेट पे लेके जाऊंगा, तो मैंने पूरा ये 0 डिग्री बुक कर लिया था। देखो क्योंकि मुझे नहीं पसंद यार कि जब हम अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं कोई आके बीच में। अरे गाने चुप। मुझे इतनी पैम्परिंग मिल रही है ना, आगे मेरा बॉयफ्रेंड मिल बने या कोई हमारा सोलमेट बनेगा, प्लीज इतनी पैम्परिंग चाहिए मुझे। सीखो गाइज सीखो, जो भी वहाँ पे देख रहे हैं लड़के तो अपने पार्टनर को अच्छे से पैम्पर किया करो। गर्ल्स लाइक टू बी पैम्पर्ड।
आज मेरी इकलौती गर्लफ्रेंड के लिए, ये देखिए कैसा लगा? हंस के लिए अच्छा नहीं लगा? नहीं, बहुत चेप हो रहा है, मुझे नहीं पसंद ऐसे बॉयफ्रेंड। शक्ल देखने लगी, दिखाइयो इनको पिज्जा। कुछ लड़कियों का एफर्ट तो पसंद नहीं आते हैं, इतने घटिया से एफर्ट कौन खाता है यार? पिज्जा राउंड में होता है। हाँ ये क्या है भाई, हार्ट शेप कौन पिज्जा कभी खिलाया किसी ने? हार्ट शेप पिज्जा चाहती भी नहीं है। यार ये सच बताए ना तो ये हमारे लिए सरप्राइज था। सच्चे वाले सरप्राइज। हाँ। उनको पता लग गया ना, उनको पता लग गया मैं नशे में ठाकुर आया। अब तक काम शूट करता है। मैं। तूने मेरा दिल तोड़ दिया देख। तो अभी हम मॉल आए थे, उसको कुछ खरीदना है लेकिन कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है और पैसे भी नहीं है। पापा पापा अगर देख रहे हो तो सेंड मनी। बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा। मैं नीचे इसका पेटीएम नंबर दे रहा हूँ। डोनेशन डोनेशन बोलना ना, खरीद लेना क्या लेना है। 100% देखो गाइस यकीन ही नहीं हो रहा है, यकीन ही नहीं हो रहा है भाई। भाई गर्लफ्रेंड बनाया है कुछ ऐसा थोड़ी बोल ये मेरा। इसको पसंद आ गया भाई। सो गाइस अभी हम आए थे पार्क प्लाजा, यहाँ पे मैंने ना रात का डिनर प्लान किया था लेकिन इसकी वार्डन मान नहीं रही है तो जाना पड़ेगा वरना डिनर। मुझे ये चटकारा है खाना बहुत अच्छा लगता है डिनर। आज शायद गुलाब जामुन देंगे। क्यों मिस कर देखो यार मैंने इतने अच्छे से प्लान करके रखा था लेकिन नहीं जाना पड़ेगा मैम को। तो मैडम को जाना पड़ा क्योंकि हॉस्टल में एंट्री लेनी है और आज का ही दिन था हमारे मिलने का। तो यार पूरा दिन हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और मेरे फ़ोन भी डेड हो चुका था तो मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाया। तो यार मैं ओवरऑल आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। तो हम दोनों ने बहुत मज़े किए, बहुत ज़्यादा अच्छी गई हमारी डेट, लेकिन ये एक डेट की तरह नहीं थी क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं तो ऑफ कैमरा तो हम एक दूसरे को गाली भी दे रहे थे। मतलब ज़्यादातर मतलब हमारा ऐसा गया कि जैसे फ्रेंड्स होते हैं तो हाँ मतलब काफ़ी टाइम बाद मिले थे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया कि पूरा दिन हमने साथ बिताया। तो हाँ इट वॉज़ अ फन एक्सपीरियंस और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी ट्राई कर सकते हो अपने किसी फ्रेंड्स के साथ पूरा दिन बिताओ जिनके साथ आप बहुत टाइम से नहीं मिले हो। और अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस रहता है और आप चाहते हो कि मैं इसके और पार्ट बनाऊँ तो हम कुछ और कर सकते हैं जैसे कि डेटिंग माय सब्सक्राइबर फॉर 24 आवर्स। इसमें मेरे को आप इंस्टा भी DM कर सकते हैं जो भी चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स तो मैं उनको डेट पर लेके जाऊँगा। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो यार प्लीज़, बहुत कम फॉलोअर्स हैं मेरे इंस्टा पर और हमारे बहुत ही जल्दी 1 मिलियन होने वाले हैं तो उसके लिए पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको। तो तब तक के लिए बाय। सो हम कल का दिन जो था हमारा इतना मजे कि हम ब्रेकअप करना भूल गए और आज ये मार्केट में अचानक दिखी है। कोइंसिडेंस तो बात ऐसी है ना यार, मुझे लगता है हमारा चलेगा नहीं, नहीं चलेगा ब्रेकअप। हाँ, दुख तो हो रहा है ना रोज नहीं हो रहा है।